अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 30 जनवरी सन 2023 और अभी हम पहुंचे हैं झिम्पी रेलवे स्टेशन पे। आज इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा दिन गुजारेंगे और कवर करेंगे ट्रेन स्पीड वीक नंबर 15। तो शालतीफ एक्सप्रेस गुजर गई है और निकल गई है मीरपुर खास के लिए, और अभी पहली ट्रेन जो हमें मिलेगी वो हो सकता है 18 डाउन या 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। तो पहला एक्शन इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है झम्पीर रेलवे स्टेशन पे। सामने एक एम्प्टी फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है जिसको RG24 लीड कर रहा है। उसके अलावा लूप लाइन के ऊपर भी कुछ जो है वो वैगन्स खड़ी हुई हैं। होपफुली इसके अंदर कोल होगा। मौसम बहुत ज़बरदस्त है आज, और आज हमारे साथ राशिद भाई और बिलाल भी मौजूद हैं। हाँ जी, पहली गाड़ी कौन सी आ रही है? इंशाल्लाह 18 डाउन की। 18 डाउन मिलत होगी, देखते हैं ट्रैकर पे, देखते हैं। मैं चाहूँ मैं मिलत हूँ नीचे। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस ZU30 के साथ गुजर गई झिम्पी रेलवे स्टेशन से 111 की स्पीड पे। पहला ही एक्शन मिला है और कमाल का एक्शन मिला है। जी 18 डाउन गुजरी है और उसके बाद 5212 जो कोल एम्प्टी कोल हो सकती है ये उसको लीड कर रहा है, निकल पड़ा है। स्लीपर लेके जा रही है ट्रेन जी, स्लीपर पड़े हुए हैं इसके अंदर।
दोस्तों आपने एक्शन देखा 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस का। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेन जो होगी वो कवर करेंगे 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। तो उम्मीद करेंगे कि अगले जितने भी एक्शन हैं आज जिमपी रेलवे स्टेशन पे वो आउट क्लास हों। सामने जो आप साइड देख रहे हैं ये अप साइड है, यानी कि टूवर्ड्स रोड़ी, खानेवाल, लाहौर, रावलपिंडी, और ये वाली साइड जो है ये डाउन साइड है आगे कराची की तरफ। तो एक्सीवेटर के ज़रिए ही इन कॉल हुपर्स को मूव किया जा रहा है, शंट किया जा रहा है आगे पीछे, और मतलूबा जगह पे उनको ला के रोकते हैं और फिर उसमें से कोयला निकालते हैं। तो लोकोमोटिव मौजूद नहीं है, सारा काम एक्सीवेटर ही कर रहा है। सामने आपको विंड टरबाइन नज़र आ रही है, चिंपियर रेलवे स्टेशन के साथ ही विंड एनर्जी फार्म्स हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक हाइड्रोलिक क्रेन भी मौजूद है पाकिस्तान रेलवे की, 110 टन इसका लोड है कैपेसिटी, जबकि एक मटेरियल लॉरी खड़ी हुई है। नीचे आपको रेलवे की एक बोसीदा हुई हुई बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसकी छतें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। सामने आपको वाटर टैंक्स नज़र आ रहे हैं, दो अबैंडन्ड है और पुराने ज़माने के बने हुए हैं। और अभी हम आके खड़े हो गए हैं डाउन साइड पे और यहाँ से इंशाल्लाह कवर करेंगे 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को। जिमपीर पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है, फुट ओवर ब्रिज, उसके ऊपर बिलाल खान खड़ा हुआ है पोजीशन लेके अपनी। ये सामने आगे जो है राशिद भाई और उनके पीछे नौमान, और ये सामने कर्व है, यहाँ से पेयर होगी ट्रेन अभी। GU40 का हॉर्न सुनाई दे रहा है जी, 16 डाउन आ रही है अभी। GU9053 लीड कर रहा है। ये 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पास थ्रू हो गई 16 डाउन कराची एक्सप्रेस और टाइम था 11:15। दोस्तों एक्सीवेटर के ज़रिए उसकी बकेट के अंदर आप कोल नज़र आ रहा है, जो कि मीटिंग से निकाला गया। आपने मीटिंग स्टेशन के इर्द गिर्द जो हैं वो देखी हुई हैं कोल माइंस, यहाँ एक्सीवेटर के ज़रिए इन वैगन्स को फुल किया जाता है और फिर यहाँ से आगे रवाना कर देते हैं। दोस्तों अभी लोकेशन दोबारा चेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने जो ब्रिज बना हुआ है रोड वाला उसके ऊपर जाया जाए और वहां से 6 डाउन ग्रीन लाइन को पकड़ें। वाटर टैंक देखें रास्ते में, जो कि ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, और उसके ऊपर एक और एंटीक चीज़ नज़र आ रही है,
वाटर हाइड्रेंट ही बोलेंगे इसको, जो कि स्टीम लोकोमोटिव्स के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, आज भी मौजूद जंपी रेलवे स्टेशन के ऊपर। ₹1921 का बना हुआ है, NWR की प्लेट लगी हुई है। दोस्तों सूरत हाल ये है कि अभी दो ट्रेन इकट्ठी आने की उम्मीद है, 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस और 6 डाउन ग्रीन लाइन। तो सामने जिमपिर ब्रिज रोड ब्रिज है, उसके नीचे राशिद भाई खड़े हुए, उसके बाद वो सामने नौमान, उसके बाद ये ऊपर बिलाल खड़ा हुआ और मैं जो हूँ इस टीले के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे स्पीड गन साथ है हमारे। दोस्तों ग्रीन लाइन अपेयर होना शुरू होगी फ्रेम में, टाइम है तकरीबन 12:50। GV40 लीड कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर। ये 104 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पास थ्रू हो गई ग्रीन लाइन 6 डाउन। तो दोस्तों कुछ डिले है ट्रेन के अंदर और उसकी वजह ड्राइवर्स एसोसिएशन की स्ट्राइक, और अभी तकरीबन 4:15 हुए हैं दोपहर के, और 47 अप अभी तक नहीं पहुंची जिमपीर, और इसी तरह 48 डाउन भी अभी तक नहीं पहुंच सकी। तो लोकेशन अभी आपको बता देता हूं, 48 डाउन जो है वो तकरीबन भुलारी के पास है और 47 अब जो है वो जंगशाही क्रॉस कर रही है। तो उम्मीद है कि तकरीबन एक ही वक्त में दोनों ट्रेनें हो सकता है गुजरें जंपीर से, तो उसका एक्शन हम कवर करने के लिए मौजूद हैं जंपीर के इस ब्रिज के ऊपर। जी 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है, तो पहले उम्मीद है यही पहुंचेगी। सामने बिलाल मौजूद और ये खड़े हैं राशिद भाई, पोजीशन ले गए अपनी बिल्कुल स्टैंड बाय। मुझे लगता है कि सिग्नल्स की जो लाइट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, जनरेटर चला दी है, आवाज़ आ रही है जनरेटर चलने की, अभी होपफुली ये ऑन हो जाएंगी। पहले ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, ऑन हो गई, ग्रीन हो गया। ये ट्रेन तो फिर हो गई है, अब देखना ये होगा कि ये ट्रेन अपनी फुल स्पीड में यहाँ से गुजरती है परमिसेबल स्पीड में या नहीं। उम्मीद तो है कि आउटर जो है इसको ग्रीन ही मिला होगा।
47 अप आ रही है जी। और HGMU 30 लीड कर रहा है। और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए भी सिग्नल ग्रीन नजर आ रहा है। स्पीड स्लो ही लग रही है मुझे। नौशप की है HGMU 30 ना यहाँ से। लाइट जाने की वजह से सिग्नल जो है वो ऑफ हुए, और जब तक जनरेटर चला था तब तक 47 अब जो है पहुंच चुकी थी आउटर तक। तो ब्रेक्स यकीनन लगाई गई जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड जो है वो टूट गई। फोर्टी एट डाउन आ रही है अभी, और HGMU 30 की चगिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। जी 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही, और टाइम है तकरीबन 4:35।
लेकिन जी फ्रेट ट्रेन आ रही है बड़े जबरदस्त चेकिंग के साथ, कंटेनर दोस्तों, शाम के 5:15 हुए हैं और 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस आ रही है कराची कैंट से निकल के लाहौर के लिए बरास्ता रोड़ी खानेवाल फैसलाबाद। तो हो सकता है ये आज के इस एपिसोड की लास्ट ट्रेन हो, क्योंकि हम वापस जाएंगे यहाँ से शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में, जिसका एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 5:40 नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि आज G40 और कराक्रम एक्सप्रेस ZCU-30 का रिकॉर्ड तोड़ता है 111 का या नहीं। जी 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झिमपिर यार्ड में से निकल गई 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस। जी मटेरियल लॉरी आ रही है या बैलस्ट मशीन आई थिंक, और उसके पीछे एक कोच लगी हुई है किसी इंजीनियर की, मेन लाइन के ऊपर से गुजरेगी, ट्रैक मशीन है जी। Thank you.
दोस्तों शाम के 5:36 हुए हैं और हमारी ट्रेन तो अभी तक नहीं पहुंची, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, पर ना ही ना अलामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है और ZCU-30 बहुत ही जोशो खरोश से लीड करता हुआ आ रहा है अलामा इकबाल एक्सप्रेस को। तो इंशाल्लाह ये वाली ट्रेन भी कवर हो जाएगी जिम पीर के इस एपिसोड में। गाय बच गई, नॉचअप किया हुआ है ZCU-30 ने। दोस्तों ये था आज का आखिरी एक्शन, उम्मीद है झिमपीर की ये वाली एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।